हेलो एवरीवन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संध्या किचन में स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मसूर की दाल ओके ये देखिए मैंने मसूर की दाल भिगो के रखे हुए हैं और ये सारी सामग्री है इसमें दो तेजपत्ता है दो लाल मिर्ची अदरक हरी मिर्ची जीरा थोड़ा सा लिया है लौंग दो तो, एक छोटी इलायची तो काली मिर्च भी लिया एक बड़ी इलायची दालचीनी के एक टुकड़े लिए हैं मैंने देखिए इस ये पिसा हुआ जीरा है एक चम्मच नमक है मैंने दो चम्मच लिए दो चम्मच हल्दी ये डेढ़ चम्मच गरम मसाला लिया ये मैंने हींग लिया थोड़ा सा डालने के लिए लहसुन कलियाँ मैंने छिल के रख लिया ये मैंने दो बड़े प्याज चॉप करके रखे हुए दो बड़े टमाटर मैंने इसको चॉप करके रख लिया है ये दो बड़े चम्मच मैंने दही रखे हुए हैं तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं मसूर की दाल बनाना ये सारी सामग्री है मैंने ये कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं अब दो चम्मच तेल ले लेंगे इसमें हम तेजपत्ता डालेंगे इसमें हम तेल गर्म हो गया है दालचीनी बड़ी इलायची छोटी इलायची लौंग और ये थोड़ी सी काली मिर्च अदरक भी डाल दिए इसमें और लाल मिर्च थोड़ा सा हम तोड़ के डाल देंगे देखिए तेल गरम हो गया है इसमें अच्छे से भून रहा है इसके बाद हम थोड़ा सा जो मैंने लहसुन छील के रखा है मैं वो भी लहसुन भी इसमें डाल दूँगी फिर इसको हम चलाएँगे इसे तेल में गरम मसाला डालें तेल में जो खुशबू आ जाती है लहसुन को थोड़ा सा हम ब्राउन कलर होने तक पकाएँगे थोड़ा तो सा रंग इसका भूरा हो जाएगा अब इसमें हम थोड़ा सा प्याज डाल के और थोड़ी प्याज में रख लूँगी छौकने के लिए इसको हम फिर चलाएँगे लहसुन प्याज अच्छे से भून रहे हैं प्याज भी थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाएगा तब तो उसके बाद हम टमाटर डालेंगे अभी हमें प्याज को अच्छी तरह से चलाना है नहीं तो एक ही तरफ से प्याज सेक जाते हैं इसलिए हम चलाते रहेंगे उसको प्याज को देखिए फिर मैं चला रही इसको अच्छे से ये देखिए प्याज मेरे भून रहे हैं अब मैं इसे थोड़े से टमाटर डाल दूँगी और तो थोड़े से टमाटर मैंने रख लिया है दाल को फ्राई करने के लिए फिर इसको हम मिला के अच्छे से इसको हम भुनने के लिए रखेंगे ये देखिए अच्छे से मिल गए हैं अब उसमें पिसा हुआ जीरा दो चम्मच मैंने डाल दिया ये एक चम्मच गरम मसाला आप सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं हल्दी दो चम्मच इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम नमक डाल दिया मैंने इसमें डेढ़ चम्मच आप अपने अनुसार डालिएगा स्वाद अनुसार क्योंकि कोई नमक ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है तो ये मसूर की दाल है जो मैंने इसको दस मिनट के लिए भिगोए रखे थे ये दो कप मसूर की दाल है दो कप लिए या दो कटोरी गे हुए हैं अब इसको मैं इसमें मिला दूंगी अच्छे से अब मैं इसको अच्छे से चला दूँगी तो मसूर की दाल सारे समय अच्छे से मिल जाएंगे देखिए अच्छे से सब हो गया उसमें पानी डाल के इसको पकने तक मैं पकाऊँगी इसमें मैंने दो गिलास पानी डाला है इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि मैंने इसको भिगो के रखे हुए थे तो थोड़े से फूले हुए थे ये अब मैं इसको थोड़ी सी हिंग डाल के इसमें इसको मैं अच्छे से चला दी हूँ ये देखिए अब जो कुकर का ढक्कन बंद करके मैं इसको चार सीटी आने तक मैं पकाऊंगी ये देखिए अब आपका ये तैयार हो गया है देखिए दाल अच्छे से गल गए हैं देखिए कितनी अच्छी दाल बनी हुई है ना ही गाढ़ी है ना ही ज़्यादा पतली दाल है देखिए अच्छे से सब मिक्स हो गया अब ये दाल फ्राई हुई तो और अच्छी हो जाएगी गाढ़ी इसके फ्राई करने मैंने देसी घी लिए हैं दो बड़े चम्मच ये जो थोड़े टमाटर बचे थे हुए है रखें दही है और प्याज जीरा और एक हरी मिर्ची इसे फ्राई करेंगे ये देसी घी मैंने लिया है ये धनिया पत्ती है थोड़ी सी चलाने के लिए इसमें चलिए पैन मैंने गरम कर लिया है इसमें मैं घी को डालती हूँ घी में गरम हो गए हैं इसमें जीरा मैं डालूँगी हरी मिर्ची एक मिनट डाल दिया इसमें जीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाए अच्छे से तब इसमें हम प्याज डालेंगे मैंने प्याज डाल दिया इसमें अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे थोड़े से प्याज़ भून जाएंगे तब इसमें हम टमाटर डालेंगे और थोड़े से प्याज और टमाटर थोड़ा सा अच्छे से गल जाएंगे अभी ये इसको हमने ढक दिया है ये देखिए अच्छे से भून गए हैं टमाटर और प्याज इसको चलाते रहना है टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे ये जैसे दाल जो मेरी और गाढ़ी हो जाएगी ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है इसमें मैंने दही दही से इसको फ्राई कर देंगे हम इसको अच्छे से मिला लेंगे दही भी अच्छे से ये, मिक्स हो जाएगा इसमें थोड़ी धनिया पत्ती डाल दी इसमें इसके सब एक साथ मिला के इसको हम दो मिनट के लिए बस भूनना है अभी देखिए बनी हुई दाल है इसमें हम मिक्स कर लेंगे इसको दाल को अच्छी तरह से मिला के हम इसे चलाएंगे देखिए कितनी गाढ़ी टेस्टी मसूर की दाल बनी हुई है ये आपका दाल जो है तैयार हो गया है बनके बस दो मिनट इसके लिए पकाएंगे हम इसको ताकि अच्छे से मिल जाए इसमें जो मैंने फ्राई किए हुए थे ये देखिए आपका दाल तैयार हो गया है इसे इसको जीरा राइस के साथ खाइए बहुत ही टेस्टी लगेगा मेरी मसूर की दाल बनके तैयार हो गई है थोड़ा सा हम मलाई से इसको हम गार्निश कर लेंगे अब आप इसे घर पे बनाएं और अपने परिवार के साथ बैठ के खाइए